फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए वाईफाई स्टडी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एग्जाम वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू wifistudy.com, चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। टुडे वी आर गोना डिस्कस द करंट अफेयर ऑफ 17 जुलाई 2017। सर लास्ट संडे था, कुछ न्यूजेस हमसे बच गई थी, तो कल की और आज की समराइज न्यूजेस के साथ हम आपके सामने यहाँ पे हैं। बैक टू बैक 10 न्यूजेस आपको शो की जाएंगी एंड वन टू वन हम सब पे डिस्कस करेंगे। तो लेट्स सी द फर्स्ट न्यूज ऑफ द डे। दिस इज द फर्स्ट न्यूज ऑफ द डे। आप देख सकते हैं इस न्यूज की हेडलाइन है कि गवर्नमेंट पैनल टू स्टडी काउ डेरिवेटिव्स। मींस रिसेंटली गवर्नमेंट हैज बीन एस्टैब्लिश और सेट अप अ कमिटी। दैट कमिटी वॉज हेडेड बाय मिस्टर हर्षवर्धन, जो कि आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं। एंड दिस इज फॉर वॉट द एम इज टू साइंटिफिकली वैलिडेट रिसर्च ऑन काउ डेरिवेटिव्स। मीन्स एक गाय से जितनी भी डेरिवेटिव्स, जिसको हम पंचगव्य के नाम से जानते हैं, उस पर साइंटिफिक रिसर्च करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमिटी सेटअप की है। दैट कमिटी is framed by 19 members and headed by Mr. Harshvardhan Singh, who is the science and technology minister nowadays. किस टाइप के questions form हो सकते हैं? If we can see, तो कहा जाएगा कि recently government has been set up a committee for cow derivatives. Which of the following member is the chairman of that committee? In that case, Mr. Harshvardhan Singh is the chairman of that committee. Let's see the next news of the day. This is the second news of the day, which shows government clears three projects, infra projects. ये three infra projects की detail हमने आपको board पे यहाँ दी हुई है. If you can see, तो हम first infra plan को देखते हैं. First infra plan is ICT, integrated cargo terminal बनाने की बात की गई है. सवाल क्या फॉर्म होगा कि किस जगह पे हुई है? तो board पे लिखा है सर, पहले आप इसका snapshot ले लो, फिर हम इसे question frame करेंगे. फर्स्ट इंटीग्रेटेड कार्गो टर्मिनल एट इम्फाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सेकेंड, टू सेट अप कैश्यू रिसर्च एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन इन कर्नाटका। फॉरवर्ड, टू सेट अप कैश्यू रिसर्च एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन इन कर्नाटका। एंड थर्ड प्रोग्राम इज कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टैंडर्ड डिजाइन फैक्ट्री एट कोचीन सेज। सर कोचीन के बाद मैंने SEZ लिखा हुआ है, दैट इज स्पेशल इकोनॉमिक जोन। कोचीन के स्पेशल इकोनॉमिक जोन में स्टैंडर्ड डिजाइन फैक्ट्री बनाने की बात की गई है। हम सेज पे आएंगे। इसके पहले बता दें कि ये जो पूरी कमिटी, जिस कमिटी के रिकमेंडेशन पे ये प्लान्स आए हैं, वो कमिटी हेड की जा रही है, यानी कि उस कमिटी के चेयरमैन है मिस रीता टियोटिया, जो कि अभी हाल फिलहाल में कॉमर्स सेक्रेटरी के तौर पे काम कर रही हैं। ये पूरा का पूरा जो कमिटी है वो 2018 से 2020 तक काम करेगा। इसमें एक वर्ड मैंने आपको शायद यहाँ बताना ज़रूरी रहेगा, टाइज, या लिखा है ऑन टाइज, जिसकी हेड है रीता टियोटिया, जिसमें कुल 600 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है। 200 करोड़ पर ईयर के हिसाब से है 2018 से 2020 तक। 200, 200 एंड 200, टोटल 600 करोड़ का प्लान है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन कैन बी फॉर्म लाइक सच टाइप ऑफ न्यूज़? तो फर्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली गवर्नमेंट हैज बीन सेटअप थ्री प्लान्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अफिलिएटेड विद दैट? इन तीन के अलावा कोई चौथा प्लान ऐसा देगा जो इन तीन के बाहर रहेगा, एंड दैट विल बी योर आंसर। क्या नेक्स्ट प्लान हो सकता है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फॉर्म हो सकता है? ICT का फुल फॉर्म हो सकता है। विच ऑफ द फुल फॉर्म ऑफ ICT? नेक्स्ट, इंटीग्रेटेड कार्गो टर्मिनल हैज बीन रिसेंटली अनाउंस्ड बाई गवर्नमेंट फॉर विच इंटरनेशनल एयरपोर्ट? दैट इज इम्फाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इस टाइप के क्वेश्चन इससे बनेंगे। सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन, किसी भी एरिया में किसी इकोनॉमिक जोन को सेज करार तब दिया जाता है जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसका एक बहुत बड़े तौर पे विकास करना चाहती है, या जब एक्सपोर्ट इम्पोर्ट को बढ़ावा देना होता है, या उस स्पेशल इकोनॉमिक जोन को हम कैसे उसका डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट उसे सेज अनाउंस कर देती है। और कोचीन के सेज में स्टैंडर्ड डिजाइन फैक्ट्री बनाने की बात की गई है। सर लेट्स सी द नेक्स्ट न्यूज ऑफ द डे। दिस इज द नेक्स्ट न्यूज जो आपके सामने है। दिस इज अबाउट जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर ने हाल ही में
वन वीक का कल्चरल प्रोग्राम होस्ट किया था किस पे, डाल लेक पे. व्हाट इज द नेम ऑफ दैट इवेंट? कल्चर ऑफ क्रूज. इफ यू कैन से दिस इज कल्चर ऑफ क्रूज. दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी फॉर्म. कल्चर ऑफ क्रूज, द लेक फेस्टिवल हैज बीन रिसेंटली होस्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? या कल्चर ऑफ क्रूज निम्नलिखित में से किस राज्य का फेस्टिवल है? नॉर्मल क्वेश्चन. स्टैटिक जीके, डाल लेक इज बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? जम्मू कश्मीर. डाल लेक पे ये बनाया गया है तो इसीलिए मैंने एरो किया हुआ सर, जम्मू कश्मीर. डाल लेक, कल्चर ऑफ क्रूज. व्हाट इज द एम? एम इज टू ब्रिंग आर्टिस्ट फ्रॉम वेरियस फील्ड. दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर सीएम. टू ब्रिंग आर्टिस्ट फ्रॉम वेरियस फील्ड वी हैव सेलिब्रेट दिस कल्चरल फेस्टिवल ऑन डाल लेक इन जम्मू कश्मीर. उससे पहले एक चीज और बता दूं, ये जो डाल लेक है ये जम्मू कश्मीर की दूसरी सबसे बड़ी लेक है. दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट लेक इन जम्मू एंड कश्मीर. बिल्कुल सर. तो ये क्वेश्चन फॉर्म नहीं होगा, दिस इज ओनली फॉर योर डेटा, फॉर योर इन्फॉर्मेशन. बट लेट्स सी द नेक्स्ट न्यूज ऑफ द डे. दिस इज द नेक्स्ट न्यूज जो आपके सामने है. दिस इज अबाउट यस बैंक. यस बैंक गेट $150 million लोन फ्रॉम OPIC फॉर SME लेंडिंग. स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस लेंडिंग है सर. SME लेंडिंग है स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस. स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस लेंडिंग. लेट्स सी व्हाट विस टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी फॉर्म फॉर सच टाइप ऑफ न्यूज. फर्स्ट डेटा वाले क्वेश्चन है सर, $150 million. सेकेंड बैंकिंग है तो बैंक के एग्जाम में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. थर्ड OPIC का फुल फॉर्म. अब इफ़ वी कैन समराइज दिस न्यूज इन अ लाइन, we can say yes bank get $150 million loan from OPIC for SME lending. It's our responsibility to know what is OPIC. It is overseas private investment corporation under it is US government. means agar examiner aapko thoda sa confuse karna chahta hai to wo OPIC na pooch ke directly country ka naam pooch sakta hai. Means yes bank get $150 million loan for SME lending for from which of the following country? Then your answer will be, bilkul sir, United States. United States government ki organization OPIC jahan se ye award mila hai. Ye amount jo hai inko $150 million ka mila hai. SME ka full form repeat kar rahi hu, small and medium enterprises. Let's see the next news of the day. ये रही आज की अगली खबर जो आपके सामने है. 18th IFA न्यू जर्सी न्यूयॉर्क में अभी मैं कहूँ होस्ट हुआ है न्यू जर्सी न्यूयॉर्क में. इससे सवाल एग्जामिनेशन में किस टाइप के बनते हैं? तो सर क्वेश्चन कैन बी फॉर्म लाइक दिस. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टर हैज बीन रिसेंटली अवॉर्डेड फॉर बेस्ट एक्टर इन IFA 2017-18? देन योर आंसर विल बी शाहिद कपूर. एक बार इसका स्नैपशॉट ले लीजिए. देखिए मैंने सारी चीज़ें शॉर्ट में लिख दी हैं. नीरजा बेस्ट फिल्म, आलिया भट्ट बेस्ट एक्ट्रेस, शाहिद कपूर बेस्ट एक्टर एंड मिस्टर अनिरुद्ध रॉय फॉर बेस्ट डायरेक्टर. इसमें मूवी का नाम भी पूछ सकता है कि किस मूवी के लिए उन्हें बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है. दैट मूवी इज पिंक. पिंक सबने देखी है बिल्कुल. अब इसको क्वेश्चन के फॉर्म में, सारा क्वेश्चन सेम फॉर्म पे आएगा जो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ. Which of the following actor can has been recently announced as best actors in IFA? Which of the following actress has been announced? Which of the director has been announced? Means question ऐसा ही आएगा. Director में एक question बढ़ जाता है, जैसे कि Mr. Anirudh Rai has been recently get a best director in IFA is the director of which of the following film या which of the following movie? देन आपका आंसर पिंक होगा सर. इसके अलावा इससे बहुत सारे सवाल बन सकते हैं जिस पे हम डिटेल में बाद में डिस्कशन करेंगे. पूरे IFA से क्वेश्चन बन सकता है, पर सबसे इम्पॉर्टेंट ये चार कैटेगरीज होती हैं जो हमने आपके सामने आपको दे दी हैं सर. दिस इज द न्यूज़ रिलेटेड टू स्पोर्ट. अभी विंबलडन कॉन्क्लूड हुआ है. वैसे तो विंबलडन में 5 कैटेगरीज आती हैं, मेन सिंगल्स, वुमेन सिंगल्स, मेन डबल्स, वुमेन डबल्स एंड मिक्स डबल्स. बट हम यहाँ पे अभी दो समराइज के हैं. हम एक शो लाएंगे जिसमें आपको फुल डिटेल विंबलडन की प्रोवाइड कराएंगे. एक नॉर्मल क्वेश्चन जो विंबलडन से बनता है, विच ऑफ द फॉलोइंग
पर्सन हैज बीन रिसेंटली वॉन द विंबलडन ओपन 2017। ये नॉर्मल क्वेश्चन है सर, अब इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं फॉर्म होते हैं। तो किस टाइप के होते हैं? रोजर फेडरर हैज बीन रिसेंटली वॉन विंबलडन ओपन बाय डिफीटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर? तब आपका जवाब क्या होगा? मैरिन क्लिक। मैंने दोनों नाम लिखा है सर, देखिएगा। रोजर फेडरर इज द विनर बाय डिफीटिंग मैरिन क्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो फॉर्म होता है, रोजर फेडरर हैज बीन रिसेंटली वॉन विंबलडन ओपन इज बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? इज द स्विस प्लेयर या नेक्स्ट कि उन्होंने जिसको हराया है वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है? तो दैट इज क्रोशिया। क्वेश्चन चार फॉर्म हुए। चूंकि रोजर फेडरर की बात आई है तो ये बताना अच्छा रहेगा कि ये अभी तक रोजर फेडरर का 8वां विंबलडन ओपन और 19th ग्रैंड स्लैम है अभी तक का उनके पूरे करियर में। इट्स 8th विंबलडन ओपन टाइटल एंड 19th ग्रैंड स्लैम टाइटल ऑफ रोजर फेडरर। इफ वी टॉक अबाउट वुमेन्स, देन द विनर इज गार्बिने मुगुर्जा, स्पैनिश प्लेयर। इट इज अ स्पैनिश प्लेयर, गार्बिने मुगुर्जा, हुज डिफीटेड वीनस विलियम्स हु बिलोंग्स टू अमेरिका। कंट्री का नाम सामने इसीलिए लिखा है क्योंकि ये भी एक क्वेश्चन फॉर्म होता है। जब क्वेश्चन हाई लेवल का आता है तो ऐसे ही फॉर्म होता है। गार्बिने मुगुर्जा हैज बीन रिसेंटली वॉन बाय डिफीटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर? दैट इज वीनस विलियम्स। शी बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? दैट इज अमेरिका। दिस इज द न्यूज अगेन रिलेटेड टू स्पोर्ट्स। रिसेंटली ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स हैज बीन कंक्लूडेड एंड वॉन बाय लुइस हैमिल्टन एंड बाय डिफीटिंग सेबेस्टियन वेटल। चूंकि ग्रैंड प्रिक्स में ये सवाल नहीं फॉर्म होता है कि किसको डिफीट किया है, क्या सिंपल सा क्वेश्चन फॉर्म होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर हैज बीन रिसेंटली वॉन ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स? दैट इज लुइस हैमिल्टन। सर कुछ नाम काफ़ी चर्चा में रहता है ग्रैंड प्रिक्स में, लाइक लुइस हैमिल्टन, सेबेस्टियन वेटल एंड लाइक ऑल दोज 3-4 नेम्स जो कि आपको बहुत कंफ्यूज करते हैं क्योंकि कई सारे ग्रैंड प्रिक्स होते हैं, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स, सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स। ठीक है, तो हमें याद क्या रखना है, जब भी हम इस तरह की कोई न्यूज़ को ध्यान दें तो हमें पर्सन के नाम को टाइटल से रिलेट कर लेना है। लुइस हैमिल्टन ब्रिटिश, याद करने का तरीका LH ब्रिटिश, LH ब्रिटिश, लुइस हैमिल्टन ब्रिटिश। जब भी कोई प्लेयर, कोई भी प्लेयर कोई भी टाइटल वर्न करे तो आप एक काम करो, उस प्लेयर के नाम और टाइटल का फर्स्ट दो अल्फाबेट उठा के उस टाइटल के आगे रख दो ताकि आपको कभी भी उसका नाम ना भूले। दैट वी नेवर फॉरगेट व्हाट इज द नेम ऑफ दैट प्लेयर हु वर्न दिस टाइटल, नॉट इवन दिस टाइटल बट एनी ऑफ द टाइटल लाइक ब्रिटिश, सिंगापुर, वी कैन फॉर्म एंड वी कैन मेमोराइज लाइक दिस। दिस इज अ वे और दिस इज अ ट्रिक इन वे वी कैन मेमोराइज सच टाइप ऑफ नेम्स जो हमें कन्फ्यूज करते हैं। ये आज के दिन की हमारी आखिरी खबर, इट इज़ अबाउट आर्बिट्ररी। आपको पता है कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि एक आर्बिट्ररी से क्वेश्चन फॉर्म ज़रूर होता है। क्वेश्चन उस पर्सन के फील्ड से फॉर्म होता है, वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस सेशंस, सो वी कैन सी व्हाट इज द डिटेल आई हैव प्रोवाइडेड यू ऑन द बोर्ड। जस्ट क्लिक अ स्नैपशॉट एंड देन वी विल डिस्कस। दिस इज द न्यूज अबाउट फॉर्मर CM ऑफ सिक्किम। वेट, इट इज फॉर्मर CM ऑफ सिक्किम जिनका हाल ही में देहांत हुआ है, मिस्टर नर बहादुर। विच टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी फॉर्म? दैट इज मिस्टर नर बहादुर हैज बीन रिसेंटली पास्ड अवे इज बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड? अ फील्ड में नाम दिया होगा सर, पॉलिटिक्स या लिटरेचर, पॉलिटिक्स लिटरेचर लाइक सिनेमा एंड ऑल, 3-4 ऑप्शन इस तरीके से। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन जो फॉर्म हो गया, इनके बारे में अगर डिटेल में बात की जाए तो मैंने लिखा 3 times CM ऑफ सिक्किम, द लॉन्गेस्ट सर्विंग CM ऑफ सिक्किम। सर सबसे ज़्यादा सेवा देने वाले, सबसे ज़्यादा बार CM रहने वाले जो है CM मिस्टर नर बहादुर जी रहे थे। इनका 3 times जो था वो 1979, 1984 और 1989 में 3 बार ये CM बने थे। इससे सवाल नहीं आएगा कि वो कितने बार बने थे, क्वेश्चन सिर्फ इतना सही फॉर्म होना है कि किस फील्ड से अफिलिएटेड थे। तो दैट इज फॉर्मर CM ऑफ सिक्किम। किस स्टेट के CM थे ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है सर, तो इस पर भी आप पूरा फोकस रखिएगा।
सिक्किम, इसलिए मैंने अंडरलाइन कर दिया। सिक्किम के सीएम थे, 3 times CM थे, फॉर्मर सीएम थे, और बीचोरी में लिखा है तो डेफिनेटली इट्स पास्ड अवे। ओके, तो समराइज्ड वे में थी सर, इसका डिटेल बहुत ज़्यादा है, किसी भी न्यूज़पेपर में आप जाओगे तो काफ़ी डिटेल में दिया। हमने सिर्फ उन पॉइंट्स को डिस्कस किया है जो एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटीज मैक्स टू मैक्स है। तो आगे इस तरह की खबर से रूबरू होने के लिए, हमसे मिलते रहने के लिए और नेक्स्ट डे की खबर के लिए प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि उसके बिना हमारी आपकी मुलाकात सर बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।